इधर सिम्स में डॉक्टरों द्वारा पर्ची पर मरीजों को दवाएं तो लिख दी जाती है, लेकिन जब मरीज दवा लेने औषधि वितरण केंद्र पर जाते हैं तो उन्हें दवा नहीं होने की बात कही जाती है, जिससे मरीजों को बाहर निजी दवाखाना में दवाई खरीदना पड़ता है। वहीं शासन की योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। शासन ने मरीजों को बेहतर इलाज और निशुल्क शासकीय दवाइयां उपलब्ध कराने की योजना तो बनाई है, लेकिन सिम्स में आने वाले मरीजों को इसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे लोगों को निराशाजनक निजी अस्पताल का रास्ता चुनना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला सिम्स में देखने को मिला, जहां डॉक्टरों द्वारा पर्ची पर मरीजों को दवाई तो लिख दी जाती है, लेकिन जब मरीज दवा लेने औषधि वितरण केंद्र पर जाते हैं तो उन्हें दवा नहीं होने की बात कही जाती है। वही बोले, अब जितनी स्टॉक में रहेगी उतनी दे पाएंगे, बाकी जो नहीं है बाहर से देंगे। 5 लिखी है इसमें, इसमें 1 मिली है, बाकी सब बाहर से, लोशन वगैरह भी दिए गए हैं, बाकी बोले सब बाहर से मिल जाएगा। हाँ, सरकारी भाई हॉस्पिटल में तो ये सब यही मिलनी चाहिए, अपने को तो पूरा व्यवस्था रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ नहीं हो पा रहा है तो आदमी बाहर से करेगा ही करेगा। जैसा कि आपने देखा कि ये मरीज 5 प्रकार की दवाइयां लेने आए थे, लेकिन इन्हें 1 दवाई देकर चलता कर दिया गया। इस संबंध में जब हमने औषधि विभाग केंद्र के इंचार्ज से बात की तो उन्होंने पर्याप्त दवाई होने की बात कही। हमारे पास CGMHC गवर्नमेंट से दवाई सप्लाई है और जेनरिक दवाइयों की मात्रा पूर्ण रूप से पूरी हम लोग बांटते हैं। जो अनुपलब्ध रहती है उसको हम लोग लोकल परचेज के माध्यम से बाज़ार से खरीद के उपलब्ध कराते हैं। यदि डॉक्टर ने उसको लिखा कि इनको अर्जेंट है तो हम लोग बाज़ार से लोकल परचेज के माध्यम से क्रय करके उपलब्ध कराते हैं। नहीं 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 आ गई, अभी उतर ही रहा है, अभी उतर ही रहा है। क्या दवाई हमको सकरी लेने जाना पड़ता है, CGMHC सेंटर जो है सकरी में है, वहाँ से लाने में लेट हुआ होगा। आ गई सब दवाई, आ गई सभी प्रकार, सर्दी बुखार खांसी सभी प्रकार की दवाइयाँ हमारे पास। ऐसे में यह जांच का विषय है कि दवाइयाँ यदि औषधि केंद्र में रहती है तो मरीजों को मुहैया क्यों नहीं कराई जाती, या फिर इन औषधियों का फेर बदल भी किया जाता है। कैमरा पर्सन भुवनेश्वर बंजारे के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज, बिलासपुर।